नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल टॉप अर्निंग टिप्स। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर सिंह। पहले भाग में हमने जाना था कि कैसे पॉली हाउस में खेती कर अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। आज के इस भाग में हम जानेंगे कि पॉली हाउस लगाने तथा सब्सिडी लेने का क्या प्रोसीजर है, तथा मिलेंगे एक इंजीनियर से। वो एक एकड़ का एक पॉली हाउस बनवा चुके हैं तथा दूसरा भी बनवा रहे हैं। जिला उद्यान अधिकारी बलजीत सिंह बता रहे हैं पॉली हाउस लगाने का तरीका। बेमौसमी सब्जी करने के लिए अगर हमारे किसान बेमौसमी सब्जी करते हैं तो उसमें उनको ज़्यादा फायदा होता है। जिस तरह से गर्मी के सीजन में गोभी अगर देना शुरू करते हैं, शिमला मिर्च देना शुरू करते हैं, जाड़ों में खीरा, बरसात में खीरा, जो कि उस समय वो रेयर होता है, उस समय आसानी से उपलब्ध नहीं होता मार्केट में, तो अगर उस समय हमारे किसान भाई उस तरह की सब्जियाँ देना शुरू करेंगे या फूलों की खेती करना शुरू करेंगे, जैसे जरबेरा है, कार्नेशन है, इस तरह की खेती करना शुरू करेंगे तो उनको ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन इस तरह की खेती करने के लिए हमें थोड़ा सा जो अपनी खेत की परिस्थिति होती है उससे अलग परिस्थितियों में काम करना होता है। उसके लिए हमें पॉली हाउस बनाना होता है, शेड नेट हाउस बनाना होता है और नेट हाउस बनाने होते हैं। और पॉली हाउस बनाने की प्रक्रिया बहुत आसान है और इस पर सरकार द्वारा दिए अनुदान भी है, 50% अनुदान दिया जाता है और लगभग 1,000 वर्ग मीटर पर लगभग हमारा 10 लाख, 8 से 10 लाख का खर्चा आ जाता है। मैंने ये मान के चलिए कि 8,000 से लेके 1,000 वर्ग मीटर तक का खर्चा इसमें आ जाता है। बहुत सारी फर्म है जिसमें काम करती हैं और इसकी आवेदन की प्रक्रिया भी बहुत आसान है। आप अपने जनपद के जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय से आवेदन ले लीजिए, वहाँ पर आवेदन आपको मिल जाएगा। उसके बाद उसका एक DPR बनता है, मतलब जिसको विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं, एक एस्टिमेट बन जाता है और एक बैंक की गारंटी हो जाती है कि कोई बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार है, क्योंकि जो आपकी अनुदान की धनराशि है वो आपके बैंक के बैंक का जो लोन खाता है उसी में ट्रांसफर की जाती है। तो आप इस तरह से इसको तैयारी कर सकते हैं कि जब सारे प्रपत्र आपके तैयार हो जाएंगे तो आप इसको जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में जमा करके मुझे मुख्यालय भेजे जाएंगे। मुख्यालय में क्या होता है कि लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक होती है जिसमें किसी साहब होते हैं, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर होते हैं और बहुत सारे अधिकारी होते हैं, उनकी मीटिंग में ये पास हो जाता है। आपका पास होने के बाद आपका नाम लिस्ट में आ जाता है, तब आप जब लिस्ट में नाम आ जाएगा तो जो जिले के उद्यान अधिकारी वो आपके लिस्ट में बता देते हैं कि आपका नाम लिस्ट में आ गया, आप अपना पॉली हाउस बनाना प्रारंभ कर दीजिए। आप अपना पॉली हाउस बनाना शुरू कर दीजिए उसके साथ साथ। उसके बाद जब आपका पॉली हाउस बनके तैयार हो जाएगा तो जिला स्तरीय अधिकारी यानी कि जिला उद्यान अधिकारी, डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर और एक मुख्यालय से कोई अधिकारी आते हैं जो आपके निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण के देखने के बाद कि आपका काम संतोषजनक है, अच्छा काम हुआ है आपका, आपके खाते में जो लोन खाता है, जो अनुदान की धनराशि ट्रांसफर होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ये इसके आवेदन करने की और इसको बनाने के लिए बहुत सारी फॉर्म बनाएगी। बहुत आसान प्रक्रिया है और इससे प्रॉफिट बहुत है क्योंकि आप नर्सरी भी उगा सकते हैं इसमें। जैसे कि बहुत सारी सब्जी आपको सितंबर के महीने में लगानी होती है, उसकी नर्सरी की तैयारी जुलाई में करनी होती है, अगस्त में करनी होती है, लेकिन उस समय बारिश का सीजन होता है। अगर आप उसको पॉली में करेंगे तो आपकी फसल को बारिश से बचाव करेगा, कीड़ों से बचाव करेगा और आपको जितना चाहिए उतना पानी देंगे और जितना जिस तरह से चाहिए उस तरह से उसको खाद या रसायनों का छिड़काव उस तरह से करेंगे, तो इस तरह से आपको बहुत फायदा होगा क्योंकि आप उस सीजन में उसमें कुछ भी कर सकते हैं जिस सीजन में और किसान खुले खेत में नहीं कर रहे होंगे, तब आपको रेट अच्छा मिलेगा और आप खुशहाल होंगे। तो दोस्तों, अगर आपने पॉली हाउस लगवाने का मन बना लिया है तो आप अपने जिले के जिला उद्यान अधिकारी से मिल सकते हैं। इनके कार्यालय हर जिले में होते हैं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप अपने स्टेट का नंबर लेकर बात कर सकते हैं और आपके स्टेट के लिए कितनी सब्सिडी मिलेगी ये भी जान सकते हैं। वैसे 50% सब्सिडी तो हर स्टेट के लिए है ही, पर किसी स्टेट में 50% से भी ज़्यादा है, लेकिन अपने ज़िले के जिला उद्यान अधिकारी से मिलना ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि यहाँ से काम जल्दी होता है। ये योजना नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंतर्गत आती है। आप NHM की वेबसाइट पर जाकर ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं तथा NHB की वेबसाइट से भी ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। अब मिलते हैं सफल किसान से जो एक इंजीनियर भी हैं। डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर है, आप इनसे भी जान सकते हैं पॉली हाउस के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब करना
ना भूलें घंटी वाला बटन भी दबाएं, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, पता चलता रहेगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद मैंने सोचा कि कुछ फार्मिंग में भी आया जाए, क्योंकि मैं बहुत ही पिछड़े इलाके से हूँ। यहाँ पे किसानों को खेती की नई टेक्निक्स के बारे में कुछ नहीं पता। मैं जहाँ पढ़ता था, मैंने वहाँ देखा वहाँ के किसान बहुत संपन्न थे, तो मैंने सोचा कि यहाँ भी मैं कुछ नया करके दिखाऊँ, जिससे कि किसान यहाँ पे कुछ अच्छा कर सके और अपनी आय में थोड़ी वृद्धि ला सके। तो इसलिए मैंने गवर्नमेंट जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से संपर्क किया, वहाँ से मुझे पता पड़ा कि पॉली हाउस पे यहाँ पे 50% सब्सिडी है। तो मैंने सब्सिडी के लिए अप्लाई करके यहाँ पॉली हाउस का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करना किया। यहाँ पे मेरा पॉली हाउस का काम चल रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से मुझे 50% सब्सिडी मिल रही है। मुझे इससे मैं इसमें कैप्सिकम शिमला मिर्च कलर शिमला मिर्च की फसल लूँगा, जिससे मुझे साल में करीबन 20 से 30 लाख रुपए आराम से इससे मिल सकता है। 1 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है और आप आराम से इससे साल में 20 से 30 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं।